पास तो भी घर है, जो गुरु अलखी लखावे अभी धू सो जन हमें का भावे भूले को घर लावे अभी धू सो जन हमें का भावे भूले को घर लावे खोजी थके भाव दूर दूर तक घटी बीच आप समावे खोजी थके भाव दूर दूर तक घटी बीच आप समावे काहि कबीर सतगुरु सोई साचा जो का त्यो ठहरावे अभिधु सो जन हमें का भावे बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।
साहिब की। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्शनी वंदनी मुद मंगल में संत समाज, आत्मी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, कबीर आश्रम नवागांव के प्रांगण में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अभी गुरुवाणी का पाठ किए, तत्पश्चात साध्वी बहनों के भजनों से लाभ ले रहे थे। आज गुरु पूनम के निमित्त सत्संग प्रोग्राम का आयोजन है। वैसे संत गुरुजन पहले से यहाँ पधारे हैं और ध्यान शिविर चल रहा था, और आज अंतिम दिन गुरु पूनम के निमित्त ये आयोजन है। अतएव आप सबसे निवेदन है, जहाँ तक आवाज जा रही है, गांव के जो भक्त सज्जन हैं, माता बहने हैं, सत्संग इच्छुक हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप आए और यहाँ आकर के संतों गुरुजनों के वचनों से लाभ लें। अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, अब कुछ विचार भी सुनते हैं। विचार रखने के लिए श्रेष्ठा कुछ मिनट, श्रेष्ठा हमारे बीच अपने विचार रखेंगे। मोरा से पधारी हुई, माइक दे दो भाई उनको। वो बच्ची वो बोलते हैं ये वाले अपने ये नीलम, हाँ हाँ नीलम, हाँ। अभी श्रेष्ठा साध्वी श्रेष्ठा जी पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हैं, बीमार हैं। वो नीलम जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से 5 से 7 मिनट आप बोलिए। नीलम
बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु ज्ञान, तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी सन समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, पूज्य गुरुदेव जी का एक पद प्रस्तुत है। भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं, तुम ही बता दो वीराना सहारा। भला आपको छोड़ जाऊं जगत सिंधु में बस हमारे अधारे, तुम्ही प्राण रक्षक दिलों से प्यारा। भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं, तुम ही बता दो वीराना सहारा। मीत मिले मुझको विपुल तुम सब मिला न को, जहर देह मन हरण करे अमृत शांति समो। मीत मिले
कभी भी अगर जो मैं उपकार बोलूं, तभी भी अगर जो मैं उपकार बोलूं, तो है कौन पापी हमें तज परारा, भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं। तुम्हें ही बता दो वीराना सहारा, अंतर्यामी नाथ हो बहुत कहो मैं का, मिलन छुटन तन धर्म है बस ये उर के मां, मलिन दीन अभिलाष के देव सूरत, मलिन दीन अभिलाष के देव सूरत, तुम्हें त्याग करना हमारा गुजारा, भला आपको छोड़ जा जाऊं कहां मैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। बहुत सुंदर भजन, भला आपको छोड़ जाऊं कहां मैं। आए अब विचारों की ओर चलते हैं। अब मुरा आश्रम से आए साध्वी सुमन साहब से निवेदन है कि आप भी 10 मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमय मेरी माता बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम नवा गांव में और इस कबीर आश्रम में, कबीर इलाहाबाद से परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हुए हैं और भी अन्य संत गुरुजन पधारे हुए हैं, जिनसे आप सबको 5 दिन से सत्संग भजन का लाभ मिल रहा है, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, गुरु दाता शिष्य पात्र हो तभी फल अधिकार।
सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि गुरु तो दाता है, वो तो हमें देते ही हैं, लेकिन शिष्य में वो पात्रता है कि नहीं। गुरु दाता शिष्य पात्र हो तभी फल अधिकार। जब हमें वो पात्रता होगी तभी हम उस फल के अधिकारी होंगे। एक कहानी याद आती है, एक भिखारी था, वो आंख से अंधा था और वो भीख मांग करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन एक बाजार के बीच में वो भीख मांग रहा था और वहाँ का राजा गली भ्रमण के लिए वो निकले हुए थे, तो उसी बाजार से वो गुजर रहे थे। भिखारी की दशा देख करके वो हीरे के एक टुकड़े को उसके चादर पर रख देता है, डाल देता है और वो आगे बढ़ जाता है। वह भिखारी, उसे पता चल गया कि राजा जी आए हैं, तो वह भिखारी जब उस हीरा को वो टटोलता है तो वो कहता है कि राजा जी आए हैं ऐसा मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि रुपया दो रुपया तो जरूर देंगे, लेकिन राजा जी ने तो ये कांच की गोली दे करके मुझ अंधे के साथ मजाक किए हैं। तब वहीं पे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि सूरदास, राजा जी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया है, वो तो आपके झोली में आपके चादर पे हीरे का टुकड़ा डाला है, उसे विश्वास नहीं हुआ। तब वो सज्जन क्या करता है कि उस हीरे के टुकड़े को लेकर के वो जौहरी के पास ले गया और उसे जब भंजा करके बहुत सारा रुपया पैसा लाया और उस भिखारी को दिया, तब उस भिखारी को विश्वास हुआ। तो इस तरह से ये तो एक कहानी है, कहानी का सिद्धांत क्या है, इसी प्रकार से यह जीव उस भिखारी, वह भिखारी अंधा है और राजा जी कौन है, राजा जी ये संत गुरुजन है, संत महात्मा है। वो हमें स्वरूप ज्ञान रूपी हीरा देते हैं लेकिन उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी कीमत नहीं कर पाते हैं। जब हम इन वैराग्यवानों संतों के, जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग के द्वारा जब हमें वो बात परखा देते हैं और बात हमें समझ में आ जाती है, तब हम उस स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति को हम समझ पाते हैं। तो यही बात है कि संत गुरुजन जो होते हैं वो हमें ज्ञान की मोती देते हैं, हीरा देते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में फर्क है। कौन सा फर्क है? अगर समुद्र की गहराई में इंसान डूबता है तो वो मर जाता है, लेकिन गुरु की गहराई में, गुरु के ज्ञान में आदमी डूब जाता है तो वो तर जाता है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं जो गुरु संतों के आधार पकड़े हुए हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सत्संग करने से क्या होगा, गुरु बनाने से क्या होगा। ऐसे उदंड लोग ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और शराबी जुआड़ी पता नहीं कौन कौन से दुर्व्यसन और दुर्गुण उनके जीवन में आते हैं और अपने पूरा जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए संतों के संग लगना चाहिए। लेकिन यह भी बात है कि आज धार्मिक गुरुओं की कमी नहीं है, वो तो खुद शिष्य बनाने के लिए घूम रहे हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसी भी बात सुनते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, तो जैसे तैसे को गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ कोई कंठी माला पहन ले या कोई जनेऊ पहन ले या और कोई भी मंत्र ले ले, ये अर्थ नहीं होता है गुरु बनाने का। गुरु बनाने का अर्थ होता है हम ऐसे गुरु बनाएं जिससे हमारे दुख दूर हो, हमारे जीवन में शांति आए। आज हम देख रहे हैं ना, लोगों के पास ना रहने की कमी है, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। कहीं भी हम लोगों से मिलते रहते, वो लोग यही कहते हैं, क्या करें साहेब, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब सुख सुविधा है हमारे पास, जीवन में सिर्फ शांति नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, रात दिन मन में चिंता बनी रहती है, दुख सताता रहता है, पता नहीं समझ में नहीं आता है कहाँ से दुख आता है, कहाँ से अशांति आती है। तो इसी दुख को दूर करने के लिए हम गुरु संतों के पास जाते हैं। तो जैसे तैसे अगर गुरु बना लेंगे तब भी हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो एक कहानी याद आती है,
कि एक पांडे जी थे, यानी जैसे तैसे गुरु बनाने से क्या होता है इस पर ये कहानी है। तो एक पांडे जी थे, एक कुम्हार था, कुम्हार था तो उसे कोई उसे उतनी इज्जत नहीं मिलती थी। तो उसने सोचा कि सब लोग इतना इज्जत पाते हैं, मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए। वो क्या करता है कि एक दिन वो पीला पीला वस्त्र पहन लेता है, धोती बंगाली पीला पीला पहन करके वो अपने गांव से निकलता है। गांव के लोग तो उसे देखते हैं तो बहुत हंसते हैं, अरे कुम्हार को तो देखो कैसे वेश बना लिया है। अब इस तरह से अपने गांव से बहुत दूर निकल गया। जो लोग उसे जानते थे हंसने लगे, और जो नहीं जानते थे वो सचमुच महाराज जी ही समझते थे। तो एक गांव में ऐसे ही पार कर रहे थे, उस गांव में चलते चलते, तो उस गांव में संत महात्मा के मानने वाले एक भक्त थे। कोई भी मत पंथ के संत महात्मा आए, वो भक्त जी अपने घर में बुलाते थे, आदर सत्कार करते थे। तो उस उनके पास गए और प्रणाम किए, कहे कि आप पीला वस्त्र पहने हैं, महाराज हैं क्या? तब वो कुम्हार कहने लगा कि हाँ हाँ मैं महाराज हूँ। वो तो इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए ही निकले हुए थे, तो कहा कि हाँ हाँ मैं महाराज हूँ। अब वो अपने घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। बिल्कुल रात होने वाली थी, शाम का समय था और रात होने वाली थी, तो अपने घर ले जाते हैं, बढ़िया आदर सत्कार करते हैं। अब वो जब भी उनके यहाँ कोई संत महात्मा आए तो वो क्या करते थे, उनसे सत्संग लाभ लेते थे। तो उसने सोचा कि ये महाराज जी आए हैं तो उसका सत्संग सुनना चाहिए, घर में अगर सत्संग रखूंगा तो घर के लोग ही लाभ ले सकते हैं, इसलिए आसपास के जो सत्संगी भाई हैं उनको बुला लेता हूँ। तो उनके पास गए बुलाने के लिए, कहे कि मेरे यहाँ एक महाराज जी आए हैं, उनसे सत्संग कर लेते हैं, घर में अगर रखूंगा तो घर के ही लोग लाभ लेंगे, इससे अच्छा है चलो चौराहे में रख देते हैं, सबको लाभ मिले। तो सब लोग राजी हो गए, आप सही कह रहे हैं करके। फिर रात तो हो ही गई थी और उस महाराज जी को भोजन वोजन खिलाते हैं, बढ़िया माइक की व्यवस्था करते हैं, श्रोता लोग आ जाते हैं। उसके बाद वो महाराज जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज जी अब आप अपना प्रवचन शुरू कीजिए। अब वो भले वेश धारण किए थे महाराज का, है ना, लेकिन वो था तो कुम्हार, उसे कुछ ज्ञान नहीं था, वो कुछ जानता ही नहीं था। तो वो सभा में एक प्रश्न करते हैं, कौन से प्रश्न करते हैं कि आप लोग ये बताओ कि श्री राम और माता सीता के जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं, जानते देखे भी हैं, सुने भी हैं। तो सब जितने श्रोता थे सबके तरफ से आवाज आती है कि हाँ हाँ जानते हैं जानते हैं। तब वो महाराज क्या कहते हैं कि जब आप लोग जानते हैं तो मैं क्या बताऊं। आज की कथा यही समाप्त होती है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, ऐसा कह करके वो कथा समाप्त कर दी और उठ करके चले गए। सब लोग सोचने लगे कि अरे महाराज जी तो कुछ कहे ही नहीं, बस इतना ही कह करके चले गए, हो सकता है आज ही आए हैं, थके हारे होंगे, लेकिन इसका सत्संग तो सुनेंगे जरूर, जाने नहीं देंगे। फिर दूसरा दिन, अब रात को ही समय मिलता था, तो फिर दूसरा दिन रात हुई तो सत्संग रखा गया, सत्संग रखा गया, पूरी सभा आ गई। लेकिन सत्संग के पहले लोग मीटिंग कर लिए थे कि आज अगर महाराज जी वही प्रश्न करे तो जितने माता लोग हैं उन लोगों को कहना है जानते हैं जानते हैं, और जितने भाई लोग हैं उन लोगों को कहना है नहीं जानते नहीं जानते, तब तो महाराज जी कुछ आगे कहेंगे। तो ये पहले से मीटिंग कर लिए थे। अब दूसरा दिन फिर सत्संग होता है तो फिर महाराज जी को बुलाते हैं, माइक वाइक सब लगा करके। तब महाराज जी, अब वो तो कुछ जानते ही नहीं थे, फिर वही प्रश्न करते हैं कि माता सीता के बारे में और श्री राम के जीवन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? अब जितने माता बहनें बैठी थी उनके तरफ से आवाज आती है नहीं जानते नहीं जानते, और जितने भाई लोग हैं वो लोग कहते हैं जानते हैं जानते हैं। तब वो महाराज जी क्या कहते हैं कि जितने भाई लोग हैं माताओं को बता देना। आज की कथा यही समाप्त होती है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अब ये कह करके फिर उस दिन उठ गए, कुछ नहीं कहे। अब वो लोग सोचने लगे कि अरे बात कुछ और है, लगता है ये जानता है कि नहीं, आगे तो कुछ कहते ही नहीं है, बस इतना ही कह करके उठ के चले जाते हैं, इसे जाने नहीं देंगे, बात तो पूरी जानना है कि बात क्या है। फिर तीसरा दिन सत्संग रखते हैं, रात होती है, फिर सब लोग आ जाते हैं। सत्संग रखने के पूर्व एक बार फिर मीटिंग किए थे कि आज अगर महाराज जी वही प्रश्न करे तो सब लोगों को कहना है नहीं जानते नहीं जानते, तब तो महाराज जी कुछ बताएंगे। फिर मीटिंग किए रहते हैं, अब रात होती है, माइक वाइक सब लग जाती, श्रोतागण आ जाते हैं, तो महाराज जी को फिर बुलाते हैं।
अब महाराज जी आए, फिर वही प्रश्न, माता सीता और श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? अब पूरी सभा में आवाज आई, सब श्रोतागण कहे नहीं जानते, नहीं जानते। जितने भाई लोग थे और बहन लोग, माता बहनें थी, सब तरफ से आवाज आई, नहीं जानते, नहीं जानते। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब आप ही लोग नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं। आज की कथा यही समाप्त होती है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। इस तरह कह करके वो वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज अगर मैं रुकूंगा तो मेरा खैर नहीं है। इस तरह से वो रातों रात भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को अगर हम गुरु बना ले तो इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सूर्य जिस प्रकार उगता है, हम सब जानते हैं कि कितना प्रकाश फैला देता है, रोशनी फैला देता है, और हम दुनिया को देखते हैं। और जब सूर्य उगता है तो उससे हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। इसी प्रकार से संत गुरुजन जो होते हैं, सूर्य जो है बाहरी प्रकाश देता है, लेकिन संत गुरुजन हमें आंतरिक प्रकाश देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है, और हम एक साधारण से अनमोल बन जाते हैं। कहते हैं ना, जब तक बिके ना थे तब तक कोई मोल ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। सचमुच में जिसने भी सत्संग किया है, जो भी संत गुरुजन के नज़दीक आए हैं, उसके महत्व को समझे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जीवन ही बदल गया, हमारा जीवन सुंदर बन गया। संत महात्मा तो एक शिल्पीगर के समान होते, एक सिकलीगर शिल्पकार के समान होते हैं। आप सब जानते हैं कि जैसे एक अनगढ़ पत्थर पड़ा रहता है, कोई उस पर पैर रखता है, कोई फेंक देता है, कोई और कुछ कर देता है, लेकिन एक शिल्पकार आता है, उसे लगता है कि ये पत्थर साधारण नहीं है, इस पत्थर से तो अच्छी मूर्ति बन सकती है, उसे उठा करके ले जाता है, एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है और किसी मंदिर में प्रतिष्ठित कर देता है, मंदिर में उसे बिठा देता है, तो वो एक सुंदर, वो पूजने लायक हो जाता है, लोग को धन और मोक्ष देने लायक हो जाता है। तो इस तरह से हम एक साधारण अनगढ़ पत्थर के समान हैं, लेकिन संत गुरुजन के पास आते हैं और वे विवेक और विचार की हथौड़ी से हमें, हमारे जीवन को बदल देते हैं, तो हम भी, हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है। तो इस तरह से गुरु की शरण में जाएं ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, सार्थक बन सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब गुरु की माता पर सुन रहे थे। और जीवन में गुरु मिलते हैं, सही अर्थ में गुरु मिलते हैं, तो क्या होता है। आए, अब मैं इस आश्रम की व्यवस्थापिका सुश्री समता साहब से निवेदन करता हूँ, आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय देख के 10-15 मिनट। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। ध्यान मूलम गुरुर् मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति, नास्ति तत्त्वम गुरु परम। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी सन समाज, सम्मान्य आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, बड़ी खुशी की बात है कि आज
इस नवागांव आश्रम के इस प्रांगण में गुरुदेव जी का पदार्पण 2 तारीख से तो हुआ है और 4 दिन तक हम लोग सत्संग से लाभ लिए हैं। आज समापन की बेला है और समापन की बेला गुरु पूर्णिमा के अवसर में यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की एक परंपरा है और उसमें गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु के द्वारा शिष्य को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को जो ज्ञान मिलता है वो उनके जीवन कल्याण में सहायक होता है। बिना गुरु के इस जीव का उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु हमारे जीवन को संवारने वाले एक शिल्पकार की तरह है। जैसे शिल्पकार अनगढ़ पत्थर को लेकर उसे तराशता है और तराशते तराशते उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप दे करके उसे मंदिर में स्थापित करता है, मंदिर में प्रतिष्ठित करता है। उसी प्रकार गुरु जो है एक जिज्ञासु को भी, शरणागत शिष्य को भी सुंदर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गीता में भी गुरु का जो सर्वोच्च स्थान है उसका स्पष्टीकरण गीता में भी हुआ है। कहा गया है, शिव रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कंचना, अर्थात ईश्वर यदि रुठ जाए तो गुरु रक्षा करते हैं और यदि गुरु ही रुठ जाए तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि गुरु ही रुठ जाए तो शिष्य के लिए, जिज्ञासु के लिए और कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गुरु हमारे मोक्षदाता हैं। इसलिए गुरु के शरण में हमें समर्पित होकर के रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जिसे गुरु नहीं मिला उसका जीवन उसके लिए एक संघर्ष के समान है और जिसे गुरु मिल गया उसके लिए उसका जीवन एक खेल है। और जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसके लिए जीवन एक उत्सव है। और यह गुरु पूर्णिमा एक शिष्य के लिए, एक मुमुक्षु के लिए एक उत्सव का दिन है। हमारे लिए एक गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति त्याग और समर्पण के भाव को प्रकट करने का दिन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरु के शरण में आए हुए हैं तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, उस ज्ञान में डूब जाएं, ताकि इस भवसागर में भटकना हमारा बंद हो जाए। क्योंकि इस भवसागर में केवल दुख ही दुख है। कहते हैं कि माता पिता से जन्म होता है तो माता पिता जो है बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन इसके पीछे उसका स्वार्थ होता है कि बुढ़ापा में ये हमारा सहारा बनेगा। माता पिता का एक स्वार्थ होता है कि बुढ़ापा में सहारा बनेगा। और अध्यापक, उनके द्वारा हमें जो शिक्षा मिलती है उनके पीछे अध्यापक का भी स्वार्थ होता है, उनका स्वार्थ होता है धन अर्जन करना। इसलिए अध्यापक और गुरु में अंतर है। अध्यापक का उद्देश्य होता है धन अर्जन करना, लेकिन गुरु का उद्देश्य होता है शिष्य के अहंकार का विसर्जन करना। हमारे जीवन को गढ़ने और छीनने का काम एक गुरु ही कर सकता है। इसलिए हम सारे अहंकारों को त्याग करके गुरु के शरण में शरणागत हो जाएं।
तभी हम शिष्यत्व पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और बिना गुरु के ज्ञान से यह जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, सुंदर विचार मिलता है, और सुंदर विचार से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। शरीर में जब रोग लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और इस शरीर में रोग लगता है तो अनेक प्रकार के विशेषज्ञ हैं, आँख के अलग विशेषज्ञ हैं, कान के विशेषज्ञ हैं, दांत के विशेषज्ञ हैं, किडनी हो खराब हो गया तो उसका विशेषज्ञ हैं, कैंसर हो गया तो उसका विशेषज्ञ हैं, लीवर खराब हो गया तो उसका विशेषज्ञ हैं, नस में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका विशेषज्ञ हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारे शरीर के जितने अंग हैं उतने विशेषज्ञ हैं, और वो अपने अपने ढंग से इलाज करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं उनका केवल एक ही विशेषज्ञ है, और वह है सद्गुरु। मानसिक जगत में यदि कोई रोग से ग्रसित है तो उनका एक ही विशेषज्ञ है, वह है सद्गुरु। और वो सद्गुरु के शरण में जो जाता है मानसिक रोग से ग्रसित, उनके सारे मानसिक ताप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें अचूक दवा मिलती है, वो हमारे सारे रोगों को, सारी समस्याओं को दूर कर देता है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के शरण जाए, हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो व्याधि है, वो मिटने वाला नहीं है। जब तक हमारा जीवन विकारों से ग्रसित रहेगा, हम बाहर से कितने भी भौतिक संपदाओं से संपन्न हो जाएं, हम बौद्धिक रूप से और आत्मिक रूप से अपने जीवन में तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए चाहिए कि हम अपने अंदर जो विकार है उसे हम दूर करने का प्रयास करें, और दूर कहाँ से होगा, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, संत गुरुजनों के शरण में नहीं जाएंगे, ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक विकार दूर होने वाला नहीं है। एक जगह संत समागम चल रहा था, और उस संत समागम में अनेक धर्मगुरु अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन कई दिनों तक चला, अंतिम में जो धर्माचार्य थे, श्रेष्ठ गुरु थे, अंतिम में उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक आप लोग कथा सुने हैं, प्रवचन सुने हैं, तो आप लोगों को दक्षिणा देनी होगी, और दक्षिणा में आप लोगों से कोई भौतिक द्रव्य नहीं चाहिए, केवल आपके अंदर जो विकार हैं उन्हें आप दक्षिणा में भेंट करिए। उस सत्संग सभा में बहुत लोग उपस्थित थे, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अंदर जो कमी थी, अपने अंदर जो दोष था, उसको गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के सामने चढ़ाने लगे, अर्थात संकल्प करने लगे कि हमारे अंदर ये कमी है, उसे हम आज से दूर करने का प्रयास करेंगे। और उसी सभा में अंतिम में एक व्यक्ति बचा, और वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि गुरु महाराज, मैं आपके सामने अपने अंदर जो कमी है उसे मैं चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ और चोरी भी करता हूँ, मैं बिना शराब पिए मैं रह नहीं सकता, और बिना चोरी किए मैं अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, ये दोनों काम मैं छोड़ नहीं सकता। गुरु तो ज्ञान का खजाना है, वो अपनी युक्ति से ऐसे तरीके निकालते हैं कि शिष्य का जो मुमुक्षु का जो और जो शरण में आए हुए भक्त है उनका जीवन संवर जाता है। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, आप शराब भी पिए और चोरी भी करिए, दोनों काम करिए, लेकिन एक वचन देना होगा, आपको असत्य नहीं बोलना होगा, आपको झूठ बोलना
छोड़ना होगा। उसने कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, मैं तो शराब भी पीऊँगा, चोरी भी करूँगा, केवल झूठ नहीं बोलना है। अब वह व्यक्ति अपना घर चला गया। फिर उसने उसकी तो आदत थी शराब पीने की, अब वो शराब पीने की उसके अंदर ललक पैदा हो गई। अब शराब पीने के लिए घर से निकला तो उसे ख्याल आया कि मैं शराब पी करके घर में आऊँगा तो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, क्योंकि तो झूठ बोलना ही नहीं है। बहुत कसमकस में पड़ गया, दुविधा में पड़ गए कि शराब पीने जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि झूठ बोलना ही नहीं है। अंतिम में निर्णय लिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, झूठ बोलना ही नहीं है तो मैं शराब पीऊँगा ही नहीं, क्योंकि शराब पी करके मैं झूठ बोलूँगा तो गुरु की आज्ञा का तिरस्कार होगा, गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी। शराब पीना छोड़ दिया। फिर रात में, अब चोरी करने की आदत थी, अब रात में योजना बनाने लगे कि चोरी करने के लिए निकलना है। फिर विचार आया कि घर से निकलूँगा तो घर के लोग पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, फिर झूठ बोलना पड़ेगा। फिर उसने संकल्प किया कि इससे अच्छा है तो मैं चोरी करना ही छोड़ दूँ। उसने संकल्प किया कि मैं चोरी करना छोड़ देता हूँ। उसके अंदर दो ही कमी थी, शराब पीना और चोरी करना। गुरु की युक्ति से दोनों जो कमी है, दोनों दो दुर्व्यसन है, दोनों छूट गए। दूसरे दिन वह व्यक्ति जो है गुरु महाराज के सामने गए और उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि गुरुदेव जी, आपकी महान कृपा है, मेरे अंदर जो दोष हैं वो आसानी से निकल गए, मेरा जीवन संवर गया, मैं भटक रहा था अंधकार में, आपने मुझे संवार दिया, मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन वे मंत्र हमें दिग्भ्रमित करते हैं, भटका देते हैं, लेकिन गुरु ऐसा मंत्र है जो हमारे रास्ते को एकदम साफ सुथरा कर देता है, कोई अंधकार नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई भ्रमान्यता नहीं। इसलिए गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसमें हमारा जीवन समर जाता है। इसलिए गुरु का ज्ञान जो है अचूक दवा है। हम मेडिकल में जाते हैं, दवाई खरीदते हैं और उस दवाई का हम प्रयोग करते हैं और उस दवाई को हम एक माह दो माह प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद उसका सेवन करना हम छोड़ देते हैं, फिर रोग लग जाता है। लेकिन गुरु के ज्ञान द्वारा जो हमें सही रास्ता मिलता है, गुरु के ज्ञान रूपी जो औषधि है, वो उसे कभी हम अपने हृदय से निकाल नहीं सकते। जो ज्ञान मिला हुआ है वो ऐसी दवा है कि वो हमेशा युगों युगों तक काम आता है। और मेडिकल में जो दवाई लेते हैं वो तो एक्सपायर भी हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान रूपी जो दवा है वो कभी एक्सपायर नहीं होता। वो कौन सी दवा है? मधुर वचन है औषधि। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मधुर वचन है औषधि। केवल हम अपनी वाणी को ठीक कर ले, केवल हम अपनी वाणी को ठीक कर ले तो हमारा जो व्यवहार है मीठा हो जाएगा, जीवन मीठा हो जाएगा और जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ये अचूक दवा है। जो इस दवा को अपने जीवन में धारण कर लेता है उसका जीवन जो है समर जाता है। इसलिए संत गुरुजनों की जो वाणी है, जो उपदेश हैं, वे अचूक दवा है। चाहे वो मीठी वाणी हो, चाहे प्रेमपूर्ण व्यवहार की वाणी हो, या सत्य पथ पर चलने वाली वाणी हो, वो हमारे जीवन का एक उज्ज्वल रास्ता है, हमारे जीवन को संवारने के लिए एक अचूक दवा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सत्संग सभा में आए हुए हैं तो उन ज्ञान को, उन अचूक दवा को हम खरीद लें। और खरीदने के लिए पैसा नहीं लगेगा, ये निःशुल्क दुकान है, ये सत्संग निःशुल्क दुकान है। आप इसे खरीद करके अपने जीवन को आप स्वस्थ बना सकते हैं, जीवन को निरोग बना सकते हैं, मन को निरोग बना सकते हैं। और इस दवा को खरीदने के लिए आपको केवल अपने अंदर जो दुर्गुण है, दुराचार, उसका त्याग करना पड़ेगा, तभी ये दवा काम करेगी। आप दवा खरीद कर चले गए और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा।
मेडिकल से दवाई लाए हैं, शरीर में रोग है, उसे खाएंगे तब उसका फायदा होगा। उसी प्रकार सत्संग में आए हैं तो जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये ज्ञान रूपी दवा काम आने वाला नहीं है। उसे हम अपने जीवन में प्रयोग करें तब वो दवा काम आएगी और हमारा जीवन, हमारा तन मन स्वस्थ होगा। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब पधारे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो हम अपने मन को मजबूत बनाएं, मन में संकल्प करें कि हमारे अंदर जो कमी है उसे हम निकालने का प्रयास करें और जीवन को निर्लोभ, निर्दोष और निर्द्वंद बना करके अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें, तभी हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक होगा। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और संत गुरुजनों को सादर वंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सम्मान्य सुश्री समता साहेब जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपना विचार दिया कि कैसे औषधि गुरु देते हैं और उनको ले करके हम जीवन में सुखी हो सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। आए और विचार श्रवण करते हैं। मैं गुरुदेव जी के साथ आए हुए हमारे साथी श्री करमचंद साहब से निवेदन करता हूँ कि आप भी कुछ मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। करमचंद साहब, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब ठंडा ठंडा है क्या भाई? अरे मौसम ठंडा हुआ है, आदमी थोड़ी ना। थोड़ा ठीक से जयकारा लगाएं सब लोग। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम सब आज यहाँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारे जीवन में आखिर गुरु का क्या महत्व है? अगर देखा जाए तो एक तरफ से सब कुछ तो गुरु का ही है। आज जो कुछ भी है, जैसे भी हैं, सब में किसका हाथ है? गुरु का। अगर गुरु ना मिले होते तो आज हम कहां होते? किसी पत्थर की मूर्ति को धूप अगरबत्ती सुंघाते, या कहीं गंगा बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा के पीछे ट्रेन में बस में धक्के खाते होते? गुरु का ही प्रताप है जो हम इन सब भ्रम मान्यताओं और जंजालों से अपने आप को बचा ले गए। आदमी इसमें पढ़ के कितना भटक जाता है, कितना दुख पाता है,
जादू टोना जंतर मंतर दिशासूर लगन, इन सब भ्रम में आप समाज को देखते हैं कैसे लोग इसमें पड़े हैं। और है क्या? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कहने की शक्ति हमको कहां से आई? गुरु से। हमारा ऐसा संस्कार, ऐसे हमारे घर परिवार का माहौल कि जो हमें जो शिक्षा मिली उसकी बदौलत आज हमारे जीवन में कोई भ्रम और मान्यता नहीं है। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। पहली पंक्ति प्रश्न है और दूसरी पंक्ति उसका उत्तर है। शिष्य पूछता है कि मैं किसके पैर छू, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि बलिहारी है गुरु की जिसने गोविंद को बताया, आत्मा को बताया, परमात्मा को बताया, जिसने सिखाया। हर जगह गुरु की ही महत्ता है। गुरु पूर्ण मा कहा जाता है ना, गुरु पूर्णिमा का मतलब हुआ गुरु पूर्ण मां होते हैं। मां, मां कैसे होती है आदमी के लिए? किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि मां कैसे होती है, वो क्या बताएगा? उसकी कोई व्याख्या है? उसके लिए तो सब कुछ मां ही होती है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी है, गुरु पूर्ण रूप से मां होते हैं, मां के समान होते हैं, जो हमारे जीवन को तराशते हैं, भटकते हुए जीवन को रास्ते पर लाते हैं। किसी का जीवन हो जो परेशानियों से भरा हो, दुखों से भरा हो, राग द्वेष से भरा हो, कलह से भरा हो, शत्रुता से भरा हो, लेकिन कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उसके इस सब समस्याओं का समाधान कर दे तो कितनी खुशी की बात होगी। हम सब के जीवन में भी ऐसे हैं। हमारे भी बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे द्वेषी हैं, बहुत लोगों से राग है, बहुत लोगों से द्वेष है। क्यों? गुरु तो मिले हैं। बातों पर ध्यान दें कि गुरु का मिल जाना ही पूर्ण बात नहीं है, उस पर अमल करना भी होता है, उस पर चलना भी होता है, उनकी बातों को मानना भी होता है, उसको जीवन में उतारना भी होता है, तब वो काम करती है। सदगुरु अभिलाष साहब के शिष्य हैं, कबीर साहब जी के अनुयायी हैं। इतना भर कह देने से समस्याएं कहां समाधान होता है? समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं। आज भी हमारे दुश्मन बने हैं घर में, परिवार में, गांव में। गुरु तो मिले लेकिन कुछ हुआ? हम उनके विचारों को माने नहीं, कहीं ना कहीं चूक कर दिए, कहीं कहीं समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गुरु तो चाहते हैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो, तुम्हारा सुखमय जीवन हो, लेकिन हो नहीं पाता है। ना होने का कारण बस एक ही है, अपनी कमी, कि हम उनकी बातों को मान नहीं पाते हैं, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। और समस्या पे समस्या पैदा करते जाते हैं और दुख बढ़ाते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आदमी अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है। सुने आप लोग कोई अपने गले में फंदा लगा के मर गया हो?
आसपास में कहीं कोई आत्महत्या कर लिया हो, बहुत लोग होंगे, 2-4-10 का नाम तो आप आसानी से गिना देंगे। इनके पास क्या चीज की कमी थी, समस्या क्या आपके जीवन में नहीं आई? उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन आप तो जिंदा बैठे हैं, हम सब जिंदा बैठे हैं यहां। और वो कैसे थे कि वो टूट गए और उनको कोई रास्ता नहीं दिखा? गुरु का संस्कार, आप आज यहां जिंदा हैं, वो केवल गुरु का विचार आपको जिंदा रखा है। आपके कुल से, आपके परिवार से, आपके माता पिता से जो संस्कार और जो विचार मिला, वो सहने की शक्ति दिया आपको, और आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल करके यहां बैठे हैं। और जिनके पास इसकी कमी थी वो आत्महत्या कर ली। इलाहाबाद में एक बच्चा 94% लाया 12वीं में, शाम को रिजल्ट देखा लगभग 11-12 बजे, 2 बजे तक फांसी लगा के मर गया। वो सोचा था कि मैं अपने स्कूल में टॉप आऊंगा। क्या चीज की कमी थी? हमारे आश्रम में लोग सुने कि 94 पाया था और मर गया, लोग मजाक उड़ा, यार इतने में तो हम लोग 3 लोग पास हो गए थे। होता था कि नहीं, 33 नंबर पा गए 100 में बहुत है, और शायद फेल भी हो जाते तो क्या मरते हैं? उसके पास क्या कमी थी? विचार की कमी थी, गुरु की कमी थी, संस्कार की कमी थी। वो संस्कार कौन देता है? हमारे कुल के लोग, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारे गुरु। और ये चीज की कमी आज बढ़ती जा रही है। एक बहू, संत लोग कहानी सुनाते हैं कि एक बहू बहुत परेशान थी अपनी सासू माँ से। ये तो आम बात है आपके लिए, सासू माँ से बहू परेशान है कोई बड़ी बात है, हैं? लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान थी, इतना ज्यादा परेशान थी कि हद से ज्यादा वो सोचती थी कैसे भी करके बुढ़िया मरे तभी छुट्टी मिलेगी। और यहां तक वो सोच डाली थी कैसे करके कहीं से मुझे कुछ जहर मिले और खिला दो इसको और छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर भी बाद में सोचती मन में कि अगर कोई जान गया, बाद में पता चल गया, आजकल तो सब जांच होता है ना, मरने के बाद भी पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता लग जाता है चूहक दवाई पिलाई गई, क्या पिलाया गया, क्या खाए खिलाया गया, तो मन में डर भी रहे। लेकिन ये बात बहुत दिन से सोचती थी वो, और सोचते सोचते बहुत दिन बीत गया, लेकिन दुख उसका बढ़ता ही गया, घटा नहीं। ध्यान से सुनेंगे तो मैं शायद क्या कहना चाहता हूं आप समझ जाएंगे, मतलब छोटी सी समस्या को कैसे आदमी बड़ा बना लेता है। ये तो घर घर की कहानी, किसी बहुत लोगों के घर में नहीं पटती है सासू माँ की और बहू की, लेकिन सब झेलते हैं, सब जीते हैं, लेकिन वो एकदम उतारू हो गई, कैसे भी करके मारना है हमको, अब जब तक ये रहेंगी तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। अब वो एक बात, जो उनके घर में गुरु आते थे, जब देखी सब चले गए, सब अकेले हो गए, गुरुजी तो उनके पास गई, कही मेरी एक समस्या है लेकिन मैं उसको अकेले में आपसे कहनी चाहती हूं। कहे क्या? तो जब सब हट गए तो बताई कि हमारी सासू माँ और हमारी दिन भर लड़ाई होती रहती है, चैन से कभी यहां खाने को नहीं मिला, 5-6 साल हो गया हमको यहां आए, और अब कोई रास्ता नहीं मिल दिखता है। पतिदेव कहते हैं कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें रहना हो रहो या अपने घर चली जाओ, जब तक हमारी माँ है मैं उनके साथ रहूंगा। अब मैं ना पति को छोड़ना चाहती हूँ और ना घर को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन सासू माँ से छुटकारा चाहती हूँ। तो महात्मा ने पूछा कि चाहती क्या हो बेटी? तो कही महाराज समस्या तो एक ही दिखती, कैसे भी करके सासू माँ को मैं जहर दे दूं और छुट्टी मिल जाए, लेकिन डरती हूं कि पुलिस पकड़ ले जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। आपके पास कोई इसका उपाय हो तो बताइए कि कैसे हम पुलिस से बचे। महात्मा ने भी सोचा कि इसको बताना चाहिए ठीक से। कहे बेटी मेरे पास एक उपाय है। वो तो एकदम खुश हो गई, कही कौन सा उपाय है महात्मा जी?
भाई देखो मेरे पास एक स्लो पॉइजन है, तुम सोच रहे हो ना माताजी को जहर दूं और तुरंत मर जाए पी के, तो हमारे पास एक स्लो पॉइजन है, उसको ले जा, उसको धीरे धीरे करके पिलाना एक एक चम्मच, और तुम्हारी सासू माँ का शरीर धीरे धीरे गलता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएंगी और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सेवा खूब करना अपने सासू माँ की उस समय, आस पड़ोस गांव के लोग देखें कि बहुत खूब सेवा भाभी है, ये तो कभी मार ही नहीं सकती है, कोई तुम पर शक न करने पाए, इतनी बात याद रखना, जितना तुमसे हो सके, और मात्र 30 पुड़िया है और 30 दिन की बात है, उसके बाद तुम राज करोगी घर में। बहू को बात समझ में आ गई, महात्मा से पुड़िया ले ली, 30 पुड़िया बांध के धर ली, लेके गई घर, बताए थे महात्मा कि इसको दूध में मिला करके देना, जब सब सो गए तो रात में दूध गरमाई एक गिलास और पुड़िया डाली, चम्मच से हिलाई और लेके पहुंची सासू माँ के पास कि माता जी दूध आपके लिए, वो भी ऊपर से नीचे तक देखती आई, जो कभी हमको पानी भी नहीं देती थी आज दूध लेके आई है, क्या बात है, क्या हो गया, धर के टेबल पर चली गई, माँ भी कहीं पता नहीं बढ़ गया होगा घर में, हो सकता है, चलो उठाई पी ली, दूसरे दिन फिर वही, फिर वो दवा डाली दूध में, फिर ले जाकर पहुंची, कहिए रोज रोज का क्या नाटक है तुम्हारा, हम कोई बूढ़े थोड़े, हम बच्चे थोड़े जो दूध पियेंगे, लेकिन बहू कुछ नहीं बोली, धरी और चली गई। तीसरे दिन फिर देखती है रोज, सासू माँ एक दिन कस के गुस्सा आई, तू समझती क्या है आखिर, हमको रोज दूध क्यों देती, क्या हो गया, जो कभी हमको पानी भी नहीं पूछती थी वो दूध दे रही है रोज मुझे, वो भी गरम गरम। तो बहू कहती, माता जी आप बूढ़ी हो गई है और शरीर कमजोर हो रहा है, आपको दूध की आवश्यकता है और घर में दूध है, इसको आप पी लीजिए तो क्या हर्ज है। सासू माँ की बिल्कुल ठीक है, कहती दूध पीने में क्या लगता है, एक गिलास दूध कितना होता है। अब दूध रोज पीने लगी, शाम को देखती है कि जब माताजी सो गई तो गरम गरम तेल लेके पहुंची उनके पैर में लगाने के लिए, पैर पकड़ी, माताजी चौंक गई, आई कौन है, बिल्ली है कि कौन है, देखे तो बहू है, ये क्या हो गया है, ये थोड़ा तेल लगा दूं, सबके लगा रही, सोचा आपके भी लगा दूं, थोड़ा झटकी हो, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम स्वस्थ हैं अभी, हमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी जिद की, भाई बहू है दे दिए, खरी खोटी दो चार बात सुनाती रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, पता नहीं क्या चाहती है हमसे। जब ऐसा 8-10 दिन तक चलता रहा, सुबह उनका पूरा ख्याल रखती, नहाने के लिए पानी धर देती, कपड़ा धो देती, समेट के धर देती, सारी चीजें व्यवस्थित करती, जब कई दिन तक चला तो सासू माँ को लगा कमी हम में ही थी क्या, बहू तो इतनी बढ़िया है, इतना ख्याल रखती है, हमारे नहाने के पहले देखो पानी भर के रख देती है, हमारे कपड़े धो देती है, हम उतारने जाते हैं कपड़ा देखते हैं पहले से उतारा रखा है समेट करके, शाम को दूध देती है, तेल लगाती, इतना ख्याल रखती है, और हम हैं कि इसको रोज तौलते रहते हैं, इसके भैया माता पिता सबको, और जब हम इसके घर वालों को अगर कुछ कहेंगे तो स्वाभाविक है भाई गुस्सा होगी, बेटी है किसी घर से आई है हमारे घर, और हम इसको इतना सुनाते थे, इसके नैहर वालों को, इसके भाई को, इसके माँ को, इसको पिता को, कुछ भी कहते थे तो रोज लड़ाई होती थी, और किसी को भी कहेंगे तो होगी ये लड़ाई, तो हम में ही कमी थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब माता जी का मन भी थोड़ा थोड़ा पिघला, कभी वो जब बाजार जाए कुछ सामान वामान लाने के लिए तो अपनी बहू के लिए कहीं कुछ खाने के ले आए, कहीं बालों में लगाने वाला ले आए, कहीं कपड़े में लगाने वाला, कहीं क्लिप ले आए, कहीं कुछ ले आए, और बाहर से ही पुकार के अपने बहू को दे दे चुपके से। अब ऐसा करते करते 10-15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, घर बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत आसानी से, इधर बहू देख रही है कि मात्र 10 दिन और बचा है, 10 दिन बाद सासू माँ का राम नाम सत्य हो जाएगा और हम राज करेंगे। अब इधर सासू माँ भी सोचती, जब घर को इतना बढ़िया संभालने वाला कोई हो तो हम क्यों मलकाना गांठे यहां पर। वो भी एक दिन बहू के हाथ पर, कंधे पर हाथ रखी और उसको ले गई अंदर कोठरी, और अपनी जो तिजोरी की चाबी रखी तो उसको उसको थमा दी, कही बेटी आज से ये घर तेरा है,
देख ये चीजें हैं, इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा, आज से तू इसकी मालकिन है और इसको रख और जहां जैसे उपयोग करना होगा शादी विवाह में वैसे उपयोग करना। तू इतनी बढ़िया है, तुझको हम शुरू में समझ नहीं पाए और हमसे बड़ी भूल हुई जो तुम्हारे घर वालों को इतना खोटा खरा सुनाते थे और उसके बीच में हम लोगों के बीच में द्वेष हुआ और लड़ाइयां होती घर में, तू मैं होता, अशांति का माहौल बना रहा, सारी गलती मेरी थी और सब कुछ जितना उनकी जायदाद थी सब बहू को सौंप दी और सौंप के चली गई बहू और सासू माँ अलग अलग हो गई। बहू सोचती है कि 5 दिन और बचा है, 5 पुड़िया पिलाऊं कोर्स पूरा दवाई का, लेकिन फिर सोचती है पति देव तो दिन भर काम पर चले जाते हैं, घर में अकेले ये छोटा बच्चा और मैं और सासू माँ, हम ही 2-3 बचते हैं, ये सासू माँ भी मर जाएंगी, इतना बड़ा घर, ये बियाँ बाँ जैसे लगेगा, एकदम सुनसान शमशान घाट जैसे, कैसे जिएंगे हम यहाँ। अब कहीं भी सासू माँ जब बैठे 2-4 लोगों के बीच बात करें तो कहें भाई हमारे जैसे घर की बहुत तुम लोग कभी पा ही नहीं सकते, वो तो एकदम पूरा लक्ष्मी है, हम ही शुरू में 2-4 साल तक जो नहीं समझ पाए उसको कुछ कुछ कहते रहे और उसकी बदौलत तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन जब से हम कहना बंद कर दिए तब से हमारा घर इतना बढ़िया हो गया कि हमारे घर की बहू नहीं हो तो लक्ष्मी आ गई है। अब ये चर्चाएं तो सुनने कहीं से मिल जाए बहू को कि बहू सासू माँ हमारी प्रशंसा करती हैं, हमारे बारे में गुणगान करती हैं और हम उनका भी ख्याल रखती, जब कोई दूसरे का ख्याल रखता है स्वाभाविक आदमी दूसरे का ख्याल रखता है, तो सासू माँ बहू का ख्याल रखती और बहू सासू माँ का तो रख ही रही थी कि लोग शक न करें मर जाने पर, वो तो अपने होशियारी में ख्याल रख रही थी, लेकिन सासू माँ जो कर रही थी वो स्वाभाविक कर रही थी। जब बहू को लगा कि बहुत गलत हो रहा है, अगर सासू माँ मर गई तो इस घर हमें ये काटने के लिए दौड़ेगा और कितना बड़ा पाप लगेगा हमको, इतना बढ़िया घर अभी माहौल है घर का, अगर ऐसे जिंदगी भर चलता रहे तो क्या दिक्कत है, एक गिलास दूध देना है और पानी पिलाना है, समय से 2 बाल्टी पानी भर के रखना है नहाने के लिए, और क्या करना है, खाना तो तब भी हम देते थे अब भी देते हैं, बस उसी को थोड़ा वो कहती थी तब देते थे अब पहले दे देते हैं, सासू माँ 4 बार भोजन मांगती थी तब मिलता था और अब मैं बिना मांगे दे देती हूं, बस इतना ही अंतर है। अगर ऐसी जिंदगी हमेशा चलती रहे तो हमें हत्या का पाप भी नहीं लगेगा, लेकिन अब तो दवाई पूरी कोर्स पूरा हो गया, 25 दिन बचा है, अब क्या करें। दौड़ी वो महात्मा के पास, फिर गई कुटिया पर, कही बाबा जी बहुत गलती हुई, कहे क्या हुआ बेटी दवाई काम नहीं कर रही, कहे नहीं नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि अब मैं अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहती, कहे आखिर क्या हो गया क्या समस्या आ गई, कौन कोई शक हो गया, कोई तुमको पहचान लिया क्या कि तुम मार रही, कि नहीं नहीं वो सब बात नहीं है, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है और सब कुछ हमको सौंप दी, पूरा मालकी मालिक बना दी हो और अब इतना बढ़िया चल रहा है क्या बताऊं, अब अगर वो मर जाएंगी तब समस्या हो जाएगी कि हम रहेंगे उस घर में कैसे अकेले। कही बेटी तू तो खुराक तो पूरी खिला चुकी है, अब कौन बचा सकता है उनको, तुम खिलाओ चाहे ना खिलाओ अब तो उनको मरना ही है, धीरे धीरे शरीर गल जाएगा खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता महाराज, बचाइए कैसे भी करके बचाइए, हम उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे दवाई करवाएंगे कुछ भी नहीं तो हम सबको बता देंगे ऐसे ऐसे हुआ था और मेरी गलती है और बाबा जी ऐसे ऐसे दिए थे हमको। बाबा जी का पैर पकड़ ली, कैसे भी करके हमारी सासू माँ को आप बचाइए। कहे अभी तू 20 दिन 25 दिन पहले यही पैर पकड़ के कह रही थी कि हमको इस दुख से बचाइए, कैसे भी करके उनको माँ खत्म करी हमारे रास्ते से साफ करी, और आज क्या हो गया कि तू कहती है कि उनको जान से बचाइए। उसके सिर पर हाथ रखे, पगली मैं कोई जहर नहीं दिया था, मैं रोज जो अगरबत्ती सुलगाता हूं ना उसी की राख थी वो, असली दवाई तो तुम्हारी वो एक गिलास दूध था और जो उनकी सेवा करती थी वो थी, जो तुम्हारे अपना मुख बंद रखी इतना दिन तक, उनसे उठ के कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दियो, कुछ भी कही खरी खोटी उसको सुन ली, असली दवाई तो वो थी।
बहू का जीवन पूरा बदल गया। बहू खुश हो गई कि ऐसे गुरु अगर हम सबको मिल जाए तो हम सबके घर में कलह नहीं है, हम सबके द्वेषी नहीं है, हमारे घर में सास बहू के झगड़ा नहीं होता है। क्या यही कमी नहीं है वहां भी? ये कमी को अगर पूरा किया जाए तो क्या समस्या समाधान नहीं हो सकता है? बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दवाई हम सबके पास है, ये गुरुजन हमारे माता पिता हमारे कुल ये दवाई बांट रहे हैं, बस जरूरत है कि हम उस दवाई का उपयोग नहीं कर रहे, काम वही कर रहे हैं, बस बिना कहे कर लें, बस हर घर का कलह शांत हो सकता है इस दवा से। महात्मा ने गुरु ने द्वेषपूर्ण जीवन को कैसे प्रेम में बदल दिया। सासू माँ और बहू अब एकदम मस्त रहते हैं, एक दूसरे माँ बेटी की जैसे रहते हैं। किसकी बदौलत? गुरु की बदौलत, सच्चे गुरु की बदौलत, सच्चे गुरु के विचारों को मानने की बदौलत। तो बंधुओं हमें जरूरत है कि हम भी गुरु के अनुयायी हैं तो गुरु के विचारों को माने, उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। हमारा भी जीवन बदलेगा, हमारे भी जीवन की समस्याएं समाधान होगा, समाप्त होंगी। जरूरत बस यही है कि हम उनकी बातों को माने और जीवन में उतारें। समय शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे समय कम मिला था, और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। वैसे समय ज़्यादा हो गया तो लेट से भी आ रहे हैं तो थोड़ा आधा घंटा खींच देंगे, चलेगा ना? हमारे साथी लोग इतने अच्छे वक्ता हैं और घंटों बोलवाइए। और एक विषय वस्तु के साथ बहुत बढ़िया से चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी भाई समय की मर्यादा है, मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का को निभाना है। आए अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे साथी श्री अनिल साहब से, आप भी आप लोग भी इतने हैं कि सब प्रकार से, अब तो अनिल साहब यहाँ रहते हैं सकरी में, लेकिन आते हैं, जो भी सेवा होती है आश्रम में, अभी भी लाइट फिटिंग नल फिटिंग वगैरह और फिर शेड वगैरह लगवाए, हर क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और इतना आए से तब से लगे ही थे, न तो उनको सत्संग ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता था, आज बैठे हैं, आज उनके विचार सुनते हैं। बोलिए सदगुरु देव की। आवाज़ तो नहीं आई, मतलब कम लोग हैं, थोड़ा जयकारा लगाए और अपने कान के पर्दा खोल ले सब लोग, हो सकता है कुछ मिल जाए खुराक। बोलिए सदगुरु देव की। परम पूज्यवर गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, पांच दिवसीय ध्यान शिविर में पूज्य गुरुदेव जी के विचार, संतों के विचार, सभी लोग ध्यान में बैठते थे। हम जब किसी भी क्षेत्र से उब जाते हैं, समस्याएं समाधान नहीं होती है, तब एक ही जगह बसता है, वही है ध्यान, जहां से हम सब समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बैठ करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ बैठ करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं है। और सद्गुरु कबीर ने कहा है, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी, ये ध्यान है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, ये पूजा है। पूजा क्या है? सिर्फ अगरबत्ती घुमा देना, हार चढ़ा देना, नारियल फोड़ देना,
चंदन लगा देना इतना ही पूजा है। ये तो कोई भी कर सकता है, एक शराबी भी कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक अनपढ़, एक गंवार, एक लुटेरा, एक चोर, सब लोग कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। चंदन लगाना, पूजा करना, आरती करना, फूल हार चढ़ा लेना, ये सब कर सकते हैं। तो क्या फिर पुजारी हो गए वो? मंदिर में बैठता है पुजारी और पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, इतने मात्र से के क्या पुजारी हो गए? एक आदमी ऑफिस में जाता है और ऑफिस में बैठ करके सबके समस्याओं का समाधान भी करता है, लेकिन घूस भी लेता है, लेकिन जब भगवान के पास जाता है तब पूजा करता है, क्या पुजारी हो गए वो? क्या इतना पूजा है? ठीक वैसे ही एक आदमी ध्यान करता है लेकिन उनका वचन ठीक नहीं है, उनका कर्म ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, क्या ये ध्यान हो गया? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। हर समय ध्यान, हर समय ध्यान। जो आदमी हर समय ध्यान करता उनका कोई चीज गड़बड़ नहीं होता है। एक आदमी प्रेम से, निष्ठा और श्रद्धा और भाव के साथ में पूजा करता है, उनकी पूजा सार्थक हो जाती है। एक आदमी काम करता है, शौचालय भी साफ कर रहा है, लेकिन उनका ध्यान एकाग्र है, मन एकाग्र है, मन निर्मल है, किसी के लिए भी, किसी के भी कॉम्प्लेक्स से नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स फ्री है, वास्तव में व्यक्ति ध्यान करता है। और मैं जहां तक गुरुजन भी यही कहते हैं कि जो कुछ हम करें प्रेम से करें, ध्यान से करें। कोई आदमी आते हैं, जाते हैं, कहते हैं ध्यान से करना, सावधानी पूर्वक करना। ध्यान से करने का मतलब वहां ध्यान लगाने के लिए बैठने नहीं कहते हैं, हमारा दिल और दिमाग वहीं पर रहे, स्थिर रहे। हमारा दिल और दिमाग स्थिर नहीं होता है तो फिर हम सही कर्म नहीं करते हैं। हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, मन में रोड़े है, मन में अहंकार है, मन में द्वेष है, फिर हम पूजा नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूजा इतनी ही नहीं है कि हम अगरबत्ती, फूल, माला, इतनी ही पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है अंतःकरण बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। क्या ये बदला है? ये नहीं बदला तो सारी पूजा बेकार चली गई। घंटों पूजा कर ले, लंबा चंदन लगा ले और जटाजूट बढ़ा ले, कपड़ा बदल ले, सन्यासी कपड़ा पहन ले, घर छोड़ दे, भक्त बन जाए बाहर से और अंदर नहीं बदला, फिर पूजा तो बेकार चली गई, सारी पूजा बेकार चली गई। और यही सबके घर में हो रहा है, यही सबके घर में हो रहा है। 95% घरों में यही पूजा चल रही है। घर में अगरबत्ती जल रही है, भगवान मूर्ति बिठाए हैं, फोटो बिठाए हैं, उसके सामने पूजा चल रही है। माँ बाप के साथ में लड़ाइयाँ चल रही है, देरान जेठान में लड़ाइयाँ चल रही है, भाई भाई में लड़ाइयाँ चल रही है, बच्चों के साथ गलत शब्दों का यूज किया जा रहा है, कौन सी पूजा है ये? माता पिता भोजन के लिए तरस रहे हैं, एक मूर्ति बिठा दिए वहां पर, भोग चढ़ा दिए, क्या पूजा हो गई? एक मूर्ति लगा लिए या कबीर साहब का फोटो ही लगा लिए और रोज पूजा कर रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और फोटो में चंदन भी लगा ले रहे हैं, माता पिता के क्या कभी आरती उतारे हैं? माता पिता क्या माता पिता के चरणों को कभी धो करके चरणों तक लिए हैं? माता पिता को कम से कम त्योहारों में आरती उतार करके उनके गले में हार चढ़ाए हैं? कौन सी पूजा है फिर? सारी पूजा बेकार चली गई ना। जो हमको कुछ दे नहीं सकता, कुछ हमारा सहयोग नहीं कर सकता, उसकी हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन उस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, उसके साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा वर्ताव करते हैं? पूजा एकदम अलग चीज है। एक आदमी आरती नहीं उतारता है किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, लेकिन माँ बाप को, अतिथियों को सम्मान देता है, सबके साथ प्रेम का वर्ताव कर। एक आदमी मंदिर जा रहा था दूध चढ़ाने के लिए, 5 लीटर दूध लिया था, उनके बगल में रास्ते में भिखारी लाइन से बैठे थे, भीख मांग रहे थे। उन्होंने किया क्या, एक डिस्पोजल लाया और सारे भिखारियों को दूध बांट लिया, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया, वहीं से आ गया वापिस। मैंने आज असली भगवान से मुलाकात कर लिया, असली भगवान से मुलाकात कर लिया। हमारे यहाँ क्या चल रहा है?
अभी सावन सोमवारी का उपवास चल रहा है, बड़े लंबी लाइन लगाते हैं, कौन सा मन्नते हैं मांगते हैं पता नहीं, बड़े बड़े प्रवक्ता है जो कहते हैं सिर्फ बेल पत्ती चढ़ाओ आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आपके बच्चे पेपर के दिन भी तैयारी नहीं किया हो तो बेल पत्ती शंकर भोले में चढ़ा दो, चंदन के साथ लेप करके, दही के साथ लेप करके, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। कर्म ही खराब है तो कैसे होगा? आपके घर में कहीं आपको दुख मिल रहा है, आपके परिवार में अशांति का माहौल है, आपके जीवन में उलझने ही उलझने मिल रही है, मतलब आपने सही कर्म नहीं किया है। कितना भी पूजा कर ले बेकार है सारी पूजा। एक माँ करीब करीब 90 साल की अवस्था रही होगी, उनकी बहुत ही उनको बड़े हिसाब से नहलाती धुलाती, टट्टी पेशाब सब कुछ बिस्तर में होता था, सब कुछ साफ करती, बड़े हिसाब से साफ करती। इतना में उसकी माँ एक दिन आती है, अपने सासू माँ की इतनी सुरक्षा करती थी, इतना में उसकी माँ एक दिन आती है और पूछती है, बेटी तुमको ये सब करने में गंदगी में बदबू में अच्छा लगता है, दुर्गंध नहीं आती है? उनकी बहू बोलती है, उनकी बेटी बोलती है, माँ मैं सासू माँ की सुरक्षा करती हूँ, सासू माँ की देख रेख कर रही हूँ, मुझे दुर्गंध नहीं मुझे सुगंधी आती है। और वो चंदन की तरह टट्टी की सफाई करती थी और बोलती थी मुझे उसमें सुगंधी आती है। कौन सी सुगंधी, कैसी बोलती है? वो बेटी बोलती है, माँ मुझे जब भी सफाई करती हूँ तो मुझे उसमें घी की सुगंधी आती थी। हुआ क्या था, जब पहली पहली बार शादी होने के बाद घर में आई और घर में आती है तो ये घी का घड़ा मक्खन पका रही थी। मक्खन पकने के बाद में घी से भरा हुआ एक पात्र है उसको उठा करके ले जा रही थी, वो घड़ा छूट जाता है, गिर गिर जाता है और पूरा बह जाता है। इतना में उनकी सासू माँ दौड़ करके आती है और पूछती है, बेटी तुमको कहीं जला तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? वो बहू बोलती है, माँ मुझे चोट नहीं लगी, ना जली भी, कहीं जला भी नहीं है, परंतु घी पूरा बर्बाद हो गया। उसकी सासू माँ बोलती है, बेटी घी हम फिर से पैदा कर सकते हैं, बस तुम सुरक्षित हो यही बहुत कुछ है। और आज जो शुरू में किया था वो बीज बोया था, बीज आपने कहीं किसी के साथ नफरत का बीज बोते हैं ना, वो खत्म नहीं होता है, वो अंकुरित होता रहता है अंदर अंदर। आपके वाणी में सुधार होना चाहिए, घर को अच्छा बनाने के लिए, घर को पूरा हर कर्म पूजा, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपकी वाणी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और क्या होता है, जब पेड़ में फल लदे होते हैं और जितने लंबे समय तक फल लदे होते हैं अधिकतम फल कड़वा, अधिकतम फल मीठा होता चला जाता है। और इस शरीर रूपी पेड़ में जितने दिन तक आत्मा रहती है उतना दिन तक बूढ़े लोग कड़वे होते चले जाते हैं, कड़वे होते चले जाते हैं, बोलने की सभ्यता नहीं आती है। 40 साल 50 साल 60 साल 70 80 90 साल हो जाता है, बोलते हैं तो कर कर की आवाज आती है। आपकी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, आपके बच्चे आपके नाती आपके पोते आपसे प्रेम करना सीख जाए। वाणी एक ऐसा माध्यम है, ओनली वाणी एक ऐसा माध्यम है कि आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीख जाए। आपने वाणी को नहीं सुधारा तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे ध्यान होगा, कैसी पूजा होगी? पूजा सहज नहीं है, अगरबत्ती घुमा देना सहज है, हार चढ़ा देना सहज है, चरणोदक ले लेना सहज है, लेकिन पूजा सहज नहीं है। पूजा करने के लिए मन को बदलना पड़ेगा और मन नहीं बदलता है, मन तो वही कर्म कांड में लगा हुआ है, वही नाना प्रकार के भ्रांतियों में। आज भी यहाँ कबीर पंथ के लोग बैठे हैं लेकिन भ्रांतियां सबके घर में होगी। आप पूजा में बताया ना, आप भोले की पूजा करते होंगे, तुलसी में पूजा कर लेते होंगे, लेकिन माता पिता की पूजा नहीं होती आपके घर में, आपके बच्चे कैसे सीखेंगे फिर? और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। मैं लोगों से कहा करता हूँ, आपने सिखाया ही कब है कि आपके बच्चे आपके कहा मानेंगे? आपने सिखाया बच्चे को धन कैसे कमाना है, आपके बच्चे 4 से 6 एकड़ जमीन कर देते हैं, 3 से 4 मंजिला मकान बना देते हैं, आपके बच्चे इंजीनियरिंग से और बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, आपके सैलरी थी 50,000 रुपया, आपके बच्चे 1,00,000 रुपया कमाने का हिम्मत रखते हैं, आपने तो वही सिखलाया है। दुनिया का भौतिक प्राणी और पदार्थ इकट्ठा करना, दुनिया का ईश्वर इकट्ठा करना, यही सिखाया आपने। क्या कभी बच्चे को प्रेम भी सिखलाया?
क्या कभी बच्चों को अनाथालय में ले गए, कभी कभी बच्चों को आश्रमों में ले गए जहाँ संत जन खुद का निर्माण करते हैं सेवा शुद्ध और साधना के बल पर कैसे जीवन को लेवल स्तर ऊपर उठाते जाते हैं, कभी होता ही नहीं है ये। फिर शिकायत क्यों करते हैं आपके बच्चे, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते। मैं कहा करता हूँ बड़े बुजुर्गों को सत्संग की उतना जरूरत नहीं है जितने आने वाले जनरेशन की जरूरत, आने वाले जनरेशन को सत्संग की जरूरत है। आप लोग आ गए सत्संग में, कभी अपने बच्चों को भी भेज करके देखिए। इसलिए अपने घरों में आपके नजदीकी संतों को, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं कभी संतों को बुलाइए, एक दिन का सत्संग रखिए। कम से कम घर घर के लोग बैठिए, बदलेगा माहौल, बदलेगा। लेकिन क्या करते हैं, हमको दोष दिखाई देता है, नहीं बदल सकते। पूजा और ध्यान ऐसे नहीं होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पूजा करना। और कम से कम शुरुआत तो करिए, आप यहाँ से जाए तो एक काम करके जाइए, यहाँ से जाए तो कम से कम एक चीज लेकर के जाइए। आपके घरों में जिसकी पूजा करते हैं करिए आप। लेकिन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी पूजा कर लिया करें, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो उसी में कटेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, दुख भरी जिंदगी जिएंगे, सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे आप, सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हमेशा अपने ही जिंदगी से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपने ही वो बीज बोया है। प्रकृति का नियम है, आप धान का फसल काटते हैं तो धान का ही, धान का बीज बोते हैं तो धान का फसल काटते हैं। और आपके जीवन में क्या होता है, आप दूसरों के साथ में प्रेम का बीज बोते हैं, अपने जीवन में प्रेम का फसल काटते हैं। दूसरों के साथ में घृणा का बीज बोते हैं, अपने जीवन में घृणा का फसल काटते हैं। आप कौन सा फसल बोते हैं, आप कौन सा फसल? पूजा तब होती है, पूजा करना शुरू कर दीजिए। अब बदलिए, मस्तिष्क को बदलते जाइए, विचारों को बदलते जाइए। अब मुझे अच्छा जीवन जीना है, अब मुझे रोने धोने वाली जिंदगी नहीं, मुझे शिकायत वाली जिंदगी नहीं, मेरा हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए, हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए। आपका हर कर्म पूजा हो, कितना मन पवित्र होगा, जीने में कितना आनंद होगा, जीने में कितनी बादशाहत होगी, आपके कर्मों में कोई उंगली ना उठा सके। आप ऐसा कर्म करना कि आपके कर्मों में कोई उंगली ना उठा सके। एक चीज और बताऊं मैं, आदमी काम से कभी नहीं थकता है, आदमी काम से कभी नहीं थकता है। और मैं अपने खुद मैं महसूस करता हूं, मैं 18 घंटा भी काम करूंगा तो मैं थकूंगा नहीं, मैं 18 घंटा काम करूंगा तो थकता तब हूं जब मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग आती है, तब जब आपके अंदर गलत विचार आना शुरू कर देते हैं, वो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, देरान बैठे तो जेठान क्यों करे, भाई बैठा तो दूसरा भाई क्यों करे। आपका ये जीवन को इस तरह से बर्बाद करता है, आप नीचे स्तर पर चले जाते हैं, आपका संपत्ति बर्बाद, घर बर्बाद, आपका मन बर्बाद, आपका शरीर बर्बाद, फिर आप पूजा नहीं कर सकते, आप सत्संगी हो ही नहीं सकते, फिर आप ध्यान कर ही नहीं सकते, फिर आप इस शुरुआत की क्रम है आपको मैं बताया हूं। फिर ध्यान बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप जब इस सब स्टेप से आगे बढ़ते चाहेंगे तब समझ में आएगा कि कुछ ध्यान भी होता है। एक आदमी रास्ता से चलता है लेकिन एक आदमी अपाहिज है, उनको देखता है उनके मन में एक वेदना पैदा हो जाती है, ये आदमी अपाहिज है, इनका कुछ सहयोग करना चाहिए। एक आदमी है जो भीख मांगता है, आंख से देख नहीं सकता है, एक अच्छे आदमी उधर से जा रहा है, उनके अंदर एक रुदन भर जाता है मन में कि आदमी कैसा जीता होगा, इनका कुछ सहयोग करना चाहिए। वो बनता है अपने जेब से 5 रुपये 10 रुपये निकाल करके देता है। कैसे ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे सत्संगी नहीं होंगे? ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे? आप ही पति और पत्नी लड़ते हैं घर में, कैसे आपके बच्चे आपके बात मान जाएंगे? सास और बहू लड़ रहे हैं, देरान और जेठान लड़ रहे हैं, कैसे आपके बच्चे आपके बात मान जाएंगे? आपने पूजा का अर्थ बच्चों को सिखलाया ही नहीं, सिर्फ अगरबत्ती घुमाना बच्चों को सिखलाया, अगरबत्ती बच्चे घुमा देते हैं, मन को बदलने की बात बताई ही नहीं। मन क्या चीज होता है, जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सही दिशा में ले जाने के बाद बच्चों को बताया ही नहीं, तो क्या करता है वो, सिर्फ कर्म कांड करता है। पूजा और कर्म कांड में इतना अंतर है, कर्म कांड बाहर से किया जाता है, कर्म कांड बाहर से होता है। हम ध्यान करते हैं 4-4, 6-6 घंटा बैठते हैं ध्यान में और मन को नहीं बदल रहे, तो क्या है, सबके सब कर्म कांड ही है, कड़वे शब्द ही है। 8 घंटा भी ध्यान कर रहे हैं और मन नहीं बदला है, मन में जलन है, मन में ताप है, मन में राग और द्वेष है, तो हम कर्मकांडी हो सकते, ध्यान का अर्थ नहीं समझ सकते।
और वैसे ही पूजा कर रहे हैं और मन में पवित्रता नहीं आई तो हम फिर पूजा का अर्थ नहीं जान पाएंगे। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप जिस मत से, जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, लेकिन कम से कम आपके घर में बड़े बुजुर्गों का, आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन कम से कम माता पिता की पूजा कर लिया करें। इससे होता क्या है, माता पिता को एक आश्रय मिलता है, माता पिता को एक मन में लगता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे कहाँ मानते हैं। जब जब उनके करीब जाते हैं, जब जब उनसे आप प्रेम से बात करते हैं, तो उनके उनको एक जीने का सहारा मिलता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे साथ है, आज भी मेरे बच्चे मेरे कहाँ मानते हैं। जब उनको कभी आरती ले लिए, उनके गले में हार चढ़ा दिए, उनको जीने के लिए एक संबल मिल जाता है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छे मेरे बच्चे, उनको जीने का एक संबल मिल जाता है, उनको जीने के लिए एक सहारा, एक कहना चाहिए एंटीबायोटिक मिल जाता है, उनको दवाई मिल जाता है कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल है। बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माता पिता आपको आपका घर परिवार धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे प्यार चाहिए उनको। आप जितना ही प्यार करेंगे, आपके माँ बाप के चेहरे में उतना ही मुस्कान होगी, उतना ही वो खिलते जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगा। आप मकान कितना बड़ा मकान है, माता पिता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं ये प्रभाव पड़ता है। आप कैसे बर्ताव करते हैं आप सोचिए, आप जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। आज यदि माता पिता के साथ घृणा का बर्ताव करते हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे बर्ताव करेंगे। आज यदि माता पिता का चरणोदक लेते हैं, हार चढ़ाते हैं, वो बच्चे देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे और उनको भी वो सीख मिलेगा। इसलिए आप सब यहाँ से यही सीख ले करके जाइए कि माता पिता की आरती उतारना है। रोज नहीं तो कम से कम त्योहारों में आरती उतार लीजिए, रोज नहीं तो कम से कम त्योहारों में उनके चरणोदक ले लीजिए, उनको कुछ उनकी ही संपत्ति है, उनकी ही संपत्ति में उनको कुछ भेंट दे दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए उनको, कितना मन प्रसन्न हो जाएगा। पूजा ये है, ध्यान ये है। इसलिए आप सब आगे बढ़े और सद्गुरु कबीर के विचारों जो कुछ करो सो पूजा, मन पवित्र रखे, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लगी। सद्गुरु कबीर के एक पंक्ति पर कुछ देर कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब हमारे साथी श्री अनिल साहब से विचार सुन रहे थे। आपने कहा कि जीवन ध्यानमय हो, जीवन पूजामय हो, और दो घंटा चार घंटा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये एक अर्थ में ही है। ध्यान का भी महत्व है, पूजा का भी महत्व है। आदमी जब ध्यान में होता है, जब कुछ करने लगता है, तो फिर उसके अंदर वो क्षमता आने लगती है। अब उस क्षमता का, उस शक्ति का उपयोग करता है नहीं करता वो अलग बात है, जब करेगा ही नहीं तो समझेगा क्या, जब करेगा ही नहीं तो समझेगा क्या। मैं एक संस्मरण बताऊं आपको। एक प्रोफेसर थे, जयपुर के थे प्रोफेसर, या हाँ ठीक 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 प्रोफेसर या कोई लेक्चरर होंगे, प्रिंसिपल थे शायद। तो वो आश्रम में आए थे ध्यान शिविर में। पहले दिन जब बैठे तब टेबल कुर्सी में बैठने वाला, जब बैठे और उसके बाद शाम को आए मेरे पास, कहे कि जेठ की दोपहरी में बैठ करके पत्थर तोड़ना सरल है लेकिन ध्यान करना कठिन है। हम कहाँ फंस गए? मैं कहूँ घबराइए मत, कुछ करते चलिए। और उसके बाद में 5 दिन के बाद में उन्होंने कहा कि जो हमने समझा वो जीवन की एक बेस्ट अनुभूति रही। और उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया। दूसरी घटना एक बताऊं मैं,
एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सूरत के, जाने माने हस्ती, नाम है अरविंद भाई। वो गुरुदेव जी जब भी जाते थे सदगुरु अभिलाष साहेब जी, तो उनको स्टेशन से लाना और ले जाना उन्हीं का काम था। चाहे एनी टाइम कभी भी, चाहे 2 बजे रात में हो, 3 बजे रात में हो, 12 बजे रात में हो, उनको लाते और ले जाते थे। एक ध्यान शिविर ही था, तो वो ध्यान शिविर में तो बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास में, और बहुत सारे लोगों को वो कमांड करते थे। समय निकाल के बीच बीच में आते थे, अभी भी आते हैं, और आएंगे तो 4-6 घंटा भी बैठ जाते हैं, और नहीं आएंगे तो साल भर भी नहीं आएंगे, ऐसे व्यक्ति हैं। तो गुरुदेव जी के पास में बैठे, फिर कहे कि गुरुदेव जी ने ऐसे बातचीत में के दौरान कहा कि अरविंद भाई कुछ ध्यान किया करो। उनके बारे में कई पुस्तकों में आया भी है, जैसे कि लाउजे क्या कहते हैं, और किसी में उन्होंने कुछ लिखा भी है साहिब जी ने। तो कहे अरविंद भाई ध्यान क्या करो, तो उन्होंने कहा साहब मेरा जीवन ही ध्यानमय है। अल्हड़पन से, साहब जी मेरा जीवन ही ध्यानमय है। तो साहेब जी उसे चट से दिए गाल को, एक लाफा हल्का से प्रेम से। अब इतने मात्र से उनको लगा कि नहीं, साहेब कह रहे हैं तो कुछ तो कह रहे हैं। ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में अब वो ध्यान शिविर में तो नहीं बैठ पाए, लेकिन बाहर आगे गए, वे विपश्यना शिविर किए, और उसके बाद में ध्यान करने लगे, और कई बार चर्चा होने लगी, और वो कह रहे थे प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान करता हूँ। जो करेगा वही समझ सकता है ना। और उसके बाद में उनका, इतने उग्र आदमी थे, वो उतना कंट्रोल कर पाए, बहुत उग्रता थी उनमें। और उनके, मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं, उनके परिवार से, उनके पापा से लोग डरते थे सूरत में। सूरत बहुत बड़ा शहर है, लेकिन आप कहीं भी जा करके उनका नाम लीजिए, उनका पापा का नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, जान जाएंगे लोग, ऐसे आदमी। कहने का अर्थ यह है, इसमें विरोधाभास नहीं है। आदमी करे तो अपने आप को समझे ना, अपने मन की स्थिति को समझे। एकाएक जीवन आपका बिल्कुल साधनामय नहीं हो सकता है, 24 घंटे आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ध्यान के बारे में चर्चा हो रही थी ना, कि जब सोऊं तब करूं दंडवत, उसमें आया है कि हर क्षण उठत बैठत कबहुन लागे ऐसी तारी लागी, उठत बैठत कबहुन छूटे ऐसी तारी लागी। ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने मन को निरखने परखने की क्षमता प्राप्त करेंगे, जब आप अपने जीवन को झांकने का प्रयास करेंगे। अब झांकने का प्रयास करने का मतलब है ध्यान। मैं अभी बीच में अभी ध्यान शिविर के संदर्भ में संस्मरण भी बता रहा था। सौराष्ट्र में एक बार गया, कार्यक्रम था, कार्यक्रम नहीं ऐसे ही गया, कोई भक्त लोग बुलाए थे तो मैं गया था। तो एक राजूला एक जगह है, वो पास में ही एक गांव में रहना हुआ। वहाँ एक संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम में मुझे बुलाए, मैं गया भक्तों के साथ में बैठे। तो वहाँ एक साध्वी बहन थी, करीब 50 के करीब की रही होगी। बड़ा अच्छा आश्रम का माहौल था और बहुत अच्छा काम करती थी। तो उन्होंने तो ये कहा कि पहली बार कोई कबीरपंथी साधु से मिल रही हूँ। और अभी तक क्यों कबीरपंथी साधु से भी नहीं मिली थी वो। फिर बैठे, बातचीत होने लगी, तो कहे कि महाराज जी आप लोगों का दैनिक क्रम क्या है? तो मैंने कहा कि अमुक बताया, फिर ध्यान के बारे में चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि ध्यान किसका करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? मैंने कहा किसी का नहीं। फिर कहे फिर ध्यान क्या है? तो मैं कहा कुछ न करना ध्यान है। तो उसे गौर से देखने लगे, कुछ न करना ध्यान है? मैं कहा कुछ उस पर चर्चा हुई, तब उनको लगा कि नहीं सही बात है। फिर योग दर्शन पर चर्चा हुई। कहने का अर्थ यह है
कि कोई आदमी जैसे पूजा भी कर रहा है वो वृथा नहीं है, कोई ध्यान करता है वो वृथा नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि उसको जीवन में अप्लाई करें। उसको जीवन में लागू करें, उसको जीवन में लाए। आज गुरु पूनम के संबंध में चर्चा हो रही थी। गुरु पूनम तो बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन उसी निमित्त ये प्रोग्राम है। गुरुजी आए हैं, संतजन आए हैं, अब एक सुंदर माहौल बना रहा। गुरु भी कुछ नहीं करता है, गुरु केवल आपके अंदर एक जागरण पैदा करता है, आपके अंदर जो गुरुत्व है उसको जगाता है। जैसे कि एक जला हुआ दीपक है, एक दीपक है, दूसरे दीपक के पास जो बुझा हुआ दीपक है, जो जला नहीं है उसके पास ले जाते हैं, तो नजदीक ले गए वो भी जल गया, तो इस दीपक ने उसे कुछ नहीं दिया, कुछ डाला नहीं, उसके लो के पास आकर के वो खुद ही जल गया। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में आकर दिया नहीं, इसमें कुछ घटा नहीं, लेकिन वो ज्योतित हो गया। ठीक ऐसे ही गुरु की स्थिति होती, गुरु के पास जाते हैं, सानिध्य में जाते हैं, हम जो लेना चाहते ले सकते हैं। और गुरु का जो महत्व है इस भारतीय परंपरा में तो खूब गाई गई है, गुरु की महिमा खूब गाई गई है। वास्तव में यदि गुरु को हम समझ पाए, गुरु ये नहीं बताता है कहीं बाहर कहीं ये है वो है, गुरु कहते हैं जो मैं हूं वही तू है। मुझे वेदों का वो वाक्य याद आता है, एक गुरु थे, उनके पास ऋषि जा कर के कहते हैं, चर्चा होती थी, ब्रह्म चर्चा हो रही थी, तो वो शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुदेव आप ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है? तो गुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऋग्वेद का वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव जब आप ब्रह्म हैं तो मैं कौन हूं? तो क्या तत्त्वम असि, वह तू है, तू भी ब्रह्म है। तो कहे आप ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं और ये सब बैठे वो कौन है? तो कहे अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर अंतिम में समन्वयात्मक वाक्य कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जो मैं हूं वह तू है। भेद क्या होता है कि गुरु अपने आप को जगा चुके हैं और हम सोए हुए। जिनके अंदर जागरण पैदा हो गया, ये बात भागवत में आई है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्रकृति गुणे तेरे तु विनिर्मुक्त परमात्मेति उदाहिता। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्रकृति गुणे, प्रकृति के गुणों से जब संयुक्त है तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से संयुक्त है तो वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मतलब संसार के विषयों में आसक्त है तब तक वो आत्मा है। सहज ढंग से कहें तो जब वो संसार के विषयों में आसक्त है, संसार के कामनाओं में आबद्ध है, तब तक वो आत्मा है, जीव है, सामान्य है। तेरे तो विनिर्मुक्त है, ये कबीर वाणी नहीं है, ये भागवत की वाणी। तेरे तो विनिर्मुक्त है, जब उससे अच्छी तरह विमुक्त हो जाता है, जब अपने ग्रंथियों को तोड़ देता है, वो परमात्मेति उदाहिरता है, उसे ही परमात्मा कहा जाता है। कितनी गहरी बात है। अब ये जो गुरु है ना, गुरु भी वही परमात्मा के रूप होते हैं।
अब ये गुरुत्व के लिए ही, गुरु का मतलब बड़ा, गुरु का मतलब महान, गुरु का मतलब श्रेष्ठ, गुरु का मतलब ऊंचा। अब ये कौन होगा? बस जीवन रहते रहते, किसी ने कहा है ना, जीवन रहते रहते जीवन के अर्थ को समझना, ऐसा रहो ऐसा जियो कि संसार की आसक्ति आप में ना आने पाए। आज या कल साहेब जी कह रहे थे और बहुत अच्छी बात थी, हमारे जीवन में जो दुख पैदा होता है, हम जीवन में जो दुखी होते हैं, इसका कारण और कुछ नहीं सिर्फ एक मोह है। जिसके पास जितना मोह है उसको उतना दुख है, और मोह से विमुक्त मानव ही गुरुत्व का अधिकारी है, गुरुपद का अधिकारी है। हम सबके अंदर वो गुरुत्व है, हम उसको समझ पाए, उसको जान पाए, तो फिर और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और हमारे साथी जो कह रहे थे उसमें बात आई कि हर आदमी, आजकल तो बहुत बहुत वक्ता लोग हैं, तो भाई जिसकी जो भावना है जहाँ जाते हैं जाएं, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, आप सामान्य रूप से भी किसी को कहते सुना होगा, मैं कई जगह ये इस चीज़ को प्रयोग करके देखा हूँ, कह के भाई परमात्मा है कि नहीं, तो कहे है, तो कहे कहाँ है, तो कहे अंदर है। जो बाहर मानता है वो भी कहता है, और जो अंदर मानता है वो भी कहता है अंदर है, कहता है कि नहीं, सब कहते हैं। कहाँ है भगवान? अंदर है, अंदर है ना। जब अंदर परमात्मा है, साहब एक मिनट, जब अंदर वो परमात्मा है तो उस परमात्मा को समझिए, कहाँ भटकते हैं बाहर। अगर उस परमात्म तत्व को समझ पाए, जो अस्तित्व है आपका उसको समझ पाए, फिर बाहर का भय कैसे हो सकता है भाई। आपको ना कोई डोरा धागा कर देता है उस पर विश्वास है, कोई भभूत देता है उस पर विश्वास है, कोई अंगूठी पहना देता है उस पर विश्वास है, कोई फूंक देता है थूक देता है उस पर विश्वास है, पर अपने अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं है। ये सब विश्वास का ही खेल है, मैं बता देता हूं, विश्वास का ही खेल है। ना तो किसी के फूकने में, ना किसी के थूकने में, ना किसी के दुआ ताबीज में, ना किसी के डोरा धागा में कोई शक्ति नहीं है, आपके विश्वास में ही शक्ति है। आप विश्वास करते हैं इसीलिए वो ठीक होता है, और जिस दिन वो विश्वास अपने अस्तित्व के प्रति जगेगा ना, उसी दिन उसी क्षण आपको बाहरी और चीज की विश्वास की आवश्यकता ना पड़ेगी। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ना, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इन्हीं चीजों को समझने के लिए कबीर विचार की आवश्यकता है। एक हम लोग नेपाल गए थे, मैं अपनी बात विराम लूं, नेपाल गए थे तो एक जगह हम लोग गए, तारेश्वर पर्वत, तारेश्वर बहुत पहले की बात है, अभी भी गए थे तो करीब मेरे ख्याल से 17-18 साल पहले हम लोग गए थे, गुरुदेव जी थे तब। तो तारेश्वर पर्वत में अपना आश्रम है, सदगुरु विशाल देव जहाँ रह करके तपस्या करते थे, साधना करते थे, और उसके ठीक ऊपर है धौलेश्वर। धौलेश्वर पर एक साधिका रहती थी, एक बहन रहती थी, और मेरे ख्याल से 25-26 साल की रही होगी, 4-5 वर्ष तक के रही अकेले, अकेले इतना जंगल घोर, छोटी सी कुटिया थी वहां पर हम लोग गए, इतना हर 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 हवा चलती थी, अकेले। क्यों, कैसे? एक जागरण, एक मौज, जो अंदर के अस्तित्व को जो समझाना जाना, उसके लिए फिर बाहर कुछ नहीं रखा है। लेकिन हम उसको ना समझ करके बाहर भटकते हैं और जीवन भर भटकते हैं।
कोई शिव वाला है तो शिव के पीछे गए, कोई राम वाला है तो राम के पीछे गए, कोई हनुमान वाला है तो हनुमान के पीछे गए। दूसरी बात यह भी है कि चाहे जिसको मानते हो बुरा नहीं है, जिसको भी मानते हो वो बुरा नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लेना, वो बाह्य ही है, आपका प्राप्तव्य नहीं है, आपके वो बल देने के लिए एक साधन हो सकते हैं। आपको बल देने के लिए साधन हो सकते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट, वो क्लेश नहीं है, पंच क्लेश की चर्चा है ये तो ज्यादा दार्शनिक हो जाएगा, क्लेश नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, वासनाओं का समुच्चय नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस सबसे वो अछूता है। और क्या है वो? सर्व ज्ञातम ज्ञात बीजम, सभी कुछ जानने की उनके अंदर शक्ति है। तो ऐसे ईश्वर, और ना तो वो सृष्टि रचता है ना कुछ नहीं करता है, तो कहे ऐसे ईश्वर का आधार लेने से होगा क्या? तो कहे ऐसे ईश्वर का आधार लोगे ना तो तुम भी क्लेश कर्म विपाक से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत बढ़िया बात है। तो कहने का अर्थ है यदि हम कहीं मानकर आस्था है जिनकी जो भावना है आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रेरणा ली, जैसे कि शिव जी के पास में बैठे कोई प्रार्थना करता है मानता है तो कि हे शिव जी, जिस प्रकार आप जहर को पान करके विष को पान करके महादेव कहलाए, देवताओं में श्रेष्ठ कहलाए, हे शिव जी मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं भी संसार के विषमता रूपी विष को पी करके अपने जीवन में अच्छा बन सकूं। करिए ना, श्री रामचंद्र जी के आदर से लेकर के करिए, श्री कृष्ण भगवान का आदर से लेकर करके करिए, हनुमान जी को आदर से लेकर के करिए, केवल आशीर्वाद के लिए मत जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जो करते हैं वो भरते हैं, आपके जीवन में कर्म की महत्ता है। आप कर्म अच्छा करिए, विचार अच्छा करिए, जीवन अच्छा करिए। गुरुदेव जी का एक वाक्य हमेशा याद रखिए आप। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो लाख शैतान मिलकर के तुम्हें दुख नहीं दे सकते, और अगर कर्म खोटा है तो लाख ईश्वर मिलकर के सुख नहीं दे सकते। अब ये बात सही है, ये अपनी जिम्मेदारी को, इस अहमियत को समझना चाहिए। कुछ बातें मैंने कही, अब मैं निवेदन करता हूं हमारे साथी ये साहिब जी को बुला लें, साहिब जी बुला लेंगे, आए अब मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा 5-7 मिनट हमारे साथी संत श्री दिनेन्द्र साहब से, मैं कहा आप भी थोड़ी देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें साहिब। अर्चनी वंदनी संत समाज, पूज्य गुरुदेव जी, श्रद्धालु भक्तों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों,
ये ध्यान शिविर के बाद गुरु पूर्णिमा का आज प्रोग्राम चल रहा है। गुरु का महत्व तो हमारे साथी लोग बताए हैं। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा सभी लोग गाए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आराधना सब लोग करते हैं, मेरे ओर भी ध्यान देंगे आप लोग। मैं एक कहानी कहता हूँ आप लोगों के बीच में, आप सब लोग बैठ जाइए आराम से और मेरी बात सुनिए। मैं एक कहानी कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गाय थी, बात सुन रहे हैं ना मेरी बात, अब ध्यान इधर दीजिए। एक गाय थी और जंगल में चरने गई थी, घास चरने गई थी। घास चर रही थी लेकिन शाम हो गई थी, चरते चरते शाम हो गई। शाम हुई तो देखता क्या है, सामने से अचानक देखा कि एक शेर आ गया। शेर आ गया और शेर आया तो फिर घबरा करके गाय दौड़ने लगी, और गाय दौड़ती दौड़ती गाय जो है एक तालाब में घुस गई। उसको बचना था, अपने प्राण बचाने के लिए एक तालाब में घुस गई। और तालाब में जहाँ गाय घुसी उस तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज़्यादा था। क्या था? कीचड़ ज़्यादा था। और जैसे ही कीचड़ में गाय फंसी, और गाय तो आगे बढ़ नहीं पाई, और ऐसे ही शेर उसके पीछे लगे हुए थे, वो भी शेर घुसा तालाब में और कीचड़ में, वो भी फंस गया। अब फैसला कितना था आप और हम लोगों के बीच में? फैसला इतना ही था, गाय कुछ कर नहीं पा रही थी, ना शेर का कुछ कर नहीं पा रही थी, दोनों फंसे हुए थे। तो दोनों में बात होने लगी, आप लोग ध्यान से सुनना। गाय कहती है शेर से कि क्या आपका कोई मालिक है? गाय कह रही है शेर से, क्या आपका कोई मालिक है? तो शेर गरज कर बोला, मैं तो खुद मालिक हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं खुद मालिक हूँ, कोई दूसरा मालिक की क्या जरूरत? कहे कि जब मालिक खुद है वो, खुद हो तो तुम फंसे हुए हो, तो तुम्हारा मालकिनपना कहाँ गया? कोई छुड़ाने तुम्हें आएगा या कोई छुड़ा सकता है? कहे तो गाय शेर जो कहता है कि तुम भी तो फंसी हुई हो, तुम भी कैसे निकलोगी? कहे कि नहीं, मेरी स्थिति अलग है, मैं फंसी जरूर हूँ लेकिन मेरा मालिक है। अभी थोड़ी देर बाद ढूंढते हुए मेरा जो मालिक है आएगा और मुझे खींच कर निकाल ले जाएगा। तुम्हारा कोई मालिक है? कहे नहीं। और ऐसे ही हुआ, ठीक कुछ देर बाद रात्रि हो गई तो ढूंढते हुए उसका मालिक आया और उस गाय को निकाल करके बाहर निकाला। और शेर को, शेर को कोई निकाल सकता है क्या? शेर को तो देखता ही रहा और गाय को निकाला। इसी प्रकार से हम सबका मालिक कौन है? कौन है? संत एवं सदगुरु हमारा मालिक है। हम दलदल में जब फंसते हैं या फंसे हुए हैं, उनको निकालने वाले संत एवं सदगुरु हैं। संत सदगुरु, हम अगर ये चाहें, हम जो भी काम कर रहे हैं मालिक के आज्ञा से कर रहे हैं, मालिक के अनुसार कर रहे हैं, उनके उपदेश
के अनुसार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मालिक के करीब में हैं और मालिक की बात मान रहे हैं। ऐसे ही हम सबको मालिक की बात मानना चाहिए। मालिक संत एवं सदगुरु हैं। हमें इस भवजाल से छुड़ाने वाले संत एवं सदगुरु हैं। इस जेल खाने से छुड़ाने वाले सदगुरु हैं। दूसरा उदाहरण एक मैं आप लोगों के बीच में और देता हूं। एक जेल खाना में कई कैदी थे और उस कैदी उस जेल खाना में सुविधा नहीं। स्वाभाविक रूप से जेल खाना में कहाँ सुविधा होती है, ना तो ढंग से खाने को मिलता है, ना तो पहनने ओढ़ने का मिलता है। जो ड्रेस देते हैं वही तो देते हैं, ओढ़ने का अलग से भी ढंग से नहीं देते हैं और अन्य सुविधा नहीं रहती है। तो ऐसे ही एक दानी था, वो जेल खाने में गया। जेल खाने में देखा वहाँ की स्थिति और देख करके उन्हें लगा कि यहाँ ढंग से खाने को नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने उस सेठ ने भोजन की व्यवस्था कर दी, अच्छा चावल सब्जी वगैरह सब की व्यवस्था की और फिर अच्छा भोजन मिलने लगा। दूसरा एक सेठ था गया, उन्होंने देखा कि ठंडी का दिन है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो वो सेठ ने कंबल की व्यवस्था कर दी। अब एक तीसरा सेठ था और था, वो गया, वो देखा कि ये सब कैदी लोग जेल खाने में बंद है, ऐसा कोई उपाय हो जिससे इसको छुड़ा लिया जाए। तो अब वो सीएम से मिल करके वो कैदियों को छुड़ा दिया। अब आप लोग बताइए कि जो पहला वाला उपकार ज़्यादा किया कि दूसरा वाला उपकार किया कि अंतिम वाला ज़्यादा उपकार किया, कौन किया? मेरी बात ध्यान से सुने ना, कौन किया? अंतिम वाला ज्यादा उपकार। ऐसे ही सदगुरु हमारे अंतिम वाले उपकार करते हैं। हमें कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है और सारी व्यवस्था मिलता है, सारी चीजें मिलती है, लेकिन अंततः जो कहा जाता है ना 84 लाख योनियों से भटक करके इस मनुष्य जीवन में आते हैं। अब इस 84 लाख योनियों को छुटकारा संत एवं सदगुरु कहते हैं। पारखी संत लोग इसको चार राशि कहते हैं, अंडज पिंडज युक्मज मनुष्य, ऐसे चार राशि मानते हैं, चार ढेरी, सब किसान है, सब जानते हैं। तो ऐसे ही ये चारों राशि से मनुष्य से जो मुक्त करने वाले संत एवं सदगुरु होते हैं। और संत एवं सदगुरु का उपकार अनंत है और उसी के उपकार को हम लोगों को समझना है, जानना है और अपने आप में मुक्त होना है। यही एक सुनहरा अवसर है। जब तक हमारा मन बढ़िया है, जब तक हमारा शरीर बढ़िया है, सारी इंद्रियां अच्छी है, तब तक हम साधना भजन का काम कर सकते हैं। अन्यथा बूढ़ा होने पर या अस्वस्थ होने पर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अभी मौका है, सुअवसर है, इस अवसर में साधना भजन का काम कर लें। अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।